A very good afternoon, dear students. At Praris, I, Abdesh sir, going to welcome. And today we are about to continue with that PYQs. And the name of the chapter is Biotechnology and its Applications. So, Bhavna, very good afternoon. Khurshida, good afternoon. Prachi, Divyanshi, Satish, good afternoon, sare bache. ठीक है, तो आज हम लोग जो हैं किसके रिजल्ट्स ज्यादा एनालिसिस करेंगे, फोकस करेंगे, दैट वी शैल डिस्कस दैट सतीश रिस्पॉन्स एंड द परफॉर्मेंस. ठीक है, सो हियर वी गो. हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? गुड आफ्टरनून बच्चा. ठीक है दिव्यांशी, आई रिप्लाइड बेटा, गुड आफ्टरनून. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस विल हेल्प इन किसमें? प्रोड्यूसिंग पेट्रोलाइक फ्यूचर फ्यूल, पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड्स टॉलरेंस और एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी. ठीक है, तो सतीश का रिस्पांस आ गया, खुर्शीदा का रिस्पांस आ गया, प्राची का रिस्पांस आ गया, दिव्यांशी का रिस्पॉन्स ड्यू है. दिव्यांशी फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए. दिव्यांशी का रिस्पॉन्स ए है. ठीक है, और कोई बच्चा बच्चा? ठीक है भावना. ठीक है चलो, लेट्स चेक आउट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है. द करेक्ट ऑप्शन इज डी बेटा, इट इज विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, दैट्स गोना टू एलिवेट दैट थिंग. सो दिव्यांशी एंड भावना, करेक्ट ऑप्शन डी है. ठीक है, और जिनके सही आंसर्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम. क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करते हैं, विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग. बहुत अच्छे से सर ने इसको डिस्कस किया था कि इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, राइजोबियम का, सैक्रोमाइसिस का, माइकोबैक्टीरियम का या फिर इस्चेरिशिया का. ठीक है, सतीश का रिप्लाई आ गया. ठीक है, और प्राची का भी आ गया, खुर्शीदा का भी आ गया. दिव्यांशी जल्दी में आंसर मत दो, जल्दी में आंसर मत दो. ठीक है, कौन बच गया? भावना. भावना फटाफट रिप्लाई करिए. ठीक है, सो सी किसका रिस्पॉन्स है? भावना का. ओके, लेट्स सी, चेक आउट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज एस्टेरिशिया. हाउ कम सी बेटा? माइकोबैक्टीरियम क्यों होगा भावना? हाँ, माइकोबैक्टीरियम क्यों होगा बेटा? ये लेटेस्ट वाले चैप्टर्स हैं, है ना? फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसको वाइडली यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स. ठीक है, दैट इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड and it is widely used in producing transgenic plants. और इसके ऑप्शन है Escherichia coli, Bacillus turgenensis, Staphylococcus aureus और Agrobacterium tumefaciens. तो मेरे पास बच्चों के रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं. दिव्यांशी का आ गया है, खुर्शिदा का आ गया है, सतीश का आ गया है, और मेजोरिटी है रिस्पॉन्स की, दैट इज डी. लेट्स चेक आउट. भावना ठीक है, प्राची का भी बेटा, कौन सा बच्चा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं देना है. वॉट यू फील करेक्ट, डू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी. कॉन्ग्रेचुलेशन सतीश, थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. ये बेसिकली ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है और इसको ट्रांसजेनिक प्लांट्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बीटी इन बीटी कॉटन इंडिकेट करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल्स कैरिंग डिजायर्ड जीन्स. एंटीकोगुलेंट हाइरुडीन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपो सीड्स. और फ्लावर सावर वैरायटी ऑफ टोमेटो हैज एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन विच इंप्रूव्स इट्स टेस्ट. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? विच अमंग दीज इज ट्रू. जो मेजोरिटी है दैट इज ठीक है, एवरीबडी हैज रिस्पॉन्डेड मी ए,
और खुर्शिदा का रिस्पांस आया सी, ठीक है। सो दैट इज, बच्चे आप लोग ना एक चीज का फोकस किया करो, जो भी क्वेश्चन आपका रिस्पांस दे रहे हो उसका नंबर लिखो, और उसके बाद जो भी आपका रिस्पांस है बी सी ए डी वो लिखो, उससे क्या होगा मुझे ट्रैक करने में आसानी हो जाएगी। सर जो पता होगा वही आंसर देंगे, तुक्का नहीं लगाना है और किसी की चीटिंग भी नहीं करना, तो भी सेल्फ ऑनेस्ट। हाँ ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कर रहे हो देन वेरी गुड, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। हाँ सो लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन इज द नन अदर देन दैट इज सी। सो हियर व्हाई ये स्टेटमेंट सही है, जो एंटी कोआगुलेंट हाइड्रोडीन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपुस एंड सीड्स, ठीक है। तो सतीश यहां पर आपका एक आंसर माइनस हुआ, क्यों हुआ, आपको इसका रिस्पांस सही से पता नहीं था बेटा। कि दिव्यांशी जिस भी बच्चे का गलत हुआ वी शैल डिस्कस अबाउट इट, है ना। सो यहां पे विच स्टेटमेंट इज ट्रू, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द बैक्टीरियम बैसिलस थोरनजेनिस इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्पररी बायोलॉजी एज अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, इंसेक्टिसाइड, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या होगा इसका रिस्पॉन्स भावना, देवेंद्र, देवेंद्र व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, यू हैव ज्वाइंड द क्लास आफ्टर ऑलमोस्ट मेनी डेज, कहां था बच्चा। खुर्शीदा रिप्लाइड, प्राची रिप्लाइड, सतीश ऑल्सो रिप्लाइड, ठीक है। भावना वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बाहर था, कहां बाहर था भाई, हमारी तो ऑनलाइन क्लास है, यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। एंड प्राची फाइन, ओके। सो लेट्स बिगिन विद द टॉप, लेट्स चेक आउट द आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज बी इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। Widely used in contemporary biology as an insecticide. Absolutely correct. जिन भी बच्चों के response B थे। और यहां पे दिव्यांशी क्या हो गया, हाँ चलो question number next. What is true for BT toxin? इनमें से BT toxin के लिए क्या सही है? The concerned bacillus has antitoxins. The inactive protoxin gets converted into active form in the insect gut. जो BT protein होता है that actually exists as active toxin in the bacillus. और जो activated toxin है that actually enters the ovaries of the pest to sterilize it and prevents it the multiplication. सारे बच्चों के जवाब आना शुरू हो गए हैं, yes सतीश का भी आ गया है, प्राची, देवयांशी, देवेंद्र, बच्चे देवेंद्र और जो भी बच्चे नहीं मेरी बात सुन पाए हैं, You are about to ask कि आप जो भी questions का response कर रहे हो तो उस question का number जरूर लिखो और उसके बाद A, B, C या जो भी आपके options से do mention. That will be easy for me to check out कि किस बच्चे का कौन सा response आया है, ठीक है। और देवेंद्र आपको पता है कि NEET की date जो है वो final हो चुकी है लेकिन अभी officially declare नहीं हुआ है, हाँ जी, तो उल्टी गिनती शुरू कर दो बिकॉज सेप्टेम्बर इज डन, है ना। सो सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आ गए हैं बी, लेट्स चेक आउट, ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन इज बी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो यहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 7, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो हमें इट हैज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वॉट, थायरोक्सिन, इंसुलिन, पैराथर्मन एंड द एपिनेफ्रीन, इनमें से किसके प्रोडक्शन के लिए, हां जी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है, एवरीबॉडी स्टार्टेड, सतीश यस, हां जी लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज बी, इट इज इंसुलिन। और इसका लॉजिक जरा देखें बेटा, जो टेक्निक है इसके द्वारा तीन चीजों पर फोकस किया गया है, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इंसुलिन के साथ साथ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है
उसको भी उसका जो प्रोडक्शन है वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो विच वन अमंग दीज इज ट्रू, सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल्स विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एस्टर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इंसुलिन जीन इज प्रेजेंट इन एवरीबॉडी सेल, न्यूक्लियोसोम इज फॉर्मड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए हैज अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स। ठीक है, वेरी स्मार्ट, सारे बच्चे फटाफट जवाब दे रहे हैं। ओके, जल्दी से रिस्पॉन्स करिए। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट, दोज हू हैव मार्क्ड बी, दैट इज इंसुलिन जीन इज प्रेजेंट इन एवरीबॉडी सेल्स। ठीक है, हां जी, कंसर्न क्या है, द जीन फॉर इंसुलिन इज ओनली टर्नड ऑन इन द पैनक्रियाटिक एसलेट ऑफ लैंगरन्स बीटा सेल 2। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, सो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन्स क्या हैं, मीडियम यील्ड, लॉन्ग फाइबर इन द रेजिस्टेंस टू बीटल पेस्ट, हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स विच एक्चुअली किल डिप्टेरिन पेस्ट, हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू द बोलवर्म्स एंड द लॉन्ग फाइबर एंड द रेजिस्टेंस टू एफाइड्स। ठीक है, इनमें से बीटी कॉटन का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सो बच्चों के रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं मेरे पास। ठीक है, देवयांशी का रिस्पॉन्स ड्यू है और देवेंद्र का रिस्पॉन्स ड्यू है। ठीक है, क्या हो सकता है इसका करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि इसमें हमें कम से कम यील्ड मिलता है, ज्यादा यील्ड मिलता है, या फिर लंबे फाइबर्स मिलते हैं, है ना। सो क्या होगा द करेक्ट ऑप्शन, लेट्स चेक आउट। हाँ देवयांशी, शी रिस्पॉन्डेड टू, That is B, absolutely perfect. क्यों, उसमें हमें yield ज्यादा मिलता है और जो toxic, बेटा crystals पे ध्यान दीजिए ना, हमेशा हर चीज का जो एक word है उस पर ध्यान दो, protein, cryoproteins, protein का crystal बनता है जिसको कि pest consume करते हैं और उनके gut पे जाकर वो poison की बात करता है। These are the certain key terms बेटा जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो सकते हैं। ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द की पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट का मैंने ऑप्शन ऑलरेडी रिलीज कर दिया, दैट इज एन इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, द करेक्ट ऑप्शन इज, आई न्यू दैट आप लोगों को पता होगा बट समहाउ इट वॉज, है ना। हां जी, सो दैट इज अबाउट कि जो बासमती राइस है उसका जो ट्रांसजेनिक फॉर्म है ये हमें विटामिन ए का कंटेंट वाला पार्ट ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है इन द राइस वन। फाइन, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, किसके लिए, ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडी न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर द सर्टेन कार्डियक डिजीज, या फिर ट्रांसजेनिक काउ दैट वॉज द रोजी विच एक्चुअली प्रोड्यूस हाई फैट मिल्क फॉर मेकिंग घी। अच्छा, सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए, दैट्स अमेजिंग। एनिमल्स लाइक बुल फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर, और ट्रांसजेनिक माइस फॉर ट्रस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन, यस। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों के ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज डी, क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो टेस्टिंग हुई है वो माइस पर ही हुई है और माइस के ऊपर जो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तब जाकर उसको इनोक्युलेट करा दिया जाता है ह्यूमंस पर। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो बेटा जो साइलेंसिंग एमआरएनए या फिर एमआरए इंटरफेरेंस है, याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट हैड बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस, किससे, वायरस से, इंसेक्ट से, फंजाई से या नेमाटोड से। ठीक है, एमआरएनए या हमारे पास जो आरएनए आई है उसका बेसिकली इंप्लीमेंट हुआ क्यों, ताकि बचाया जा सके प्लांट्स को, किससे। ठीक है, हां जी, सो सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आ गए हैं, लेट्स चेक आउट, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इज नेमाटोड्स।
हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 13, हमें ए से डी तक चार सेंटेंसेस दिए, स्टेटमेंट्स दिए हैं. हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं, विच एक्चुअली हैव बीन टेकन एज अ रॉन्ग. सो जो पहला ट्रांसजेनिक बफेलो था, दैट वाज रोजी, और इसका कंसर्न था मिल्क को प्रोड्यूस करना, और इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन एनरिच्ड प्रोटीन था. That the second one was restriction enzymes that was used in the isolation of DNA from the other macromolecules. Tisra jo tha, that was downstream processing is one of the step of rDNA, recombinant DNA technology. Aur jo fourth one hai, that is disarmed pathogen vectors are also used in the transfer of recombinant DNA into the host. ठीक है, इनमें से बताना है कौन सी दो statements गलत है. Among these, which two are wrong? ठीक है, ए एंड बी रॉन्ग है. अच्छा ठीक है, लेकिन यहां पे कौन सा आएगा इसमें बताओ मुझे. ऐसे थोड़ी पता चलेगा, बी है, सी है, डी है. आज सतीश पूरी तैयारी में आया है ना, फुल ऑन एनर्जी. यस दिव्यांशी रिस्पॉन्डेड. क्वेश्चन समझ में नहीं आया. देखो क्या होता है ना, जब बच्चों आप लोगों का कैमरा चालू होता है तो पता चल जाता है कि कौन से बच्चे के पास प्रॉब्लम है. अब कैमरा बंद करके बैठे हो, मुझे क्या पता कि किस बच्चे को क्या कंसर्न है ना. क्यों खुर्शिदा, प्राची, सतीश, भावना, सतीश आज तो कैमरा चालू करना बनता है. लेट्स चेक आउट हाउ यू आर गोना टू परफॉर्म, बिकॉज टूडे वी आर गोना टू एनालाइज योर क्वेश्चन ओनली. सतीश कम ऑन क्विक. क्या बच्चे आप लोग एकदम शाय करते रहते हो, अपना कैमरा कैमरे से बंद करके रखते हो. हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है बच्चे, क्लियर, स्टडीज अच्छे से हो रही हैं. चलो सर, दिव्यांशी रिस्पॉन्स किया, ठीक है, एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑप्शन है, और बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा जोश के साथ बच्चा आज तैयार है. करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी. अब थोड़ा सा ये जो एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल था दैट वाज काऊ, ठीक है, दैट वाज नॉट अ बफेलो. उसका नाम बिल्कुल सही है, रोजी बिल्कुल सही था, बट इट वाज काऊ, इट वाज नॉट अ बफेलो, एंड एक्चुअली इट वाज एग्जीक्यूटेड एंड डेवलप्ड इन द ईयर 1997. और उसके बाद सेकेंड वन है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बेटा, दैट इज द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया. ठीक है, यहां पे क्या बोला है, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स आइसोलेटेड फॉर्म डीएनए फ्रॉम दी अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, नहीं, इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, देन ओनली इट इज गोना टू गो फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो कैमरा चालू किया है सर. हाँ देख लिया बेटा, अच्छा लगा आपको देखकर. चलो, सो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसका है, किस एनिमल का जो मैक्सिमम ट्रांसजेनिक फॉर्म किया, दैट क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्क्ड इन द ईयर 2011. यस, ठीक है, बच्चों के रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं, वेरी इजी एंड वेरी कंसेप्चुअल वन. करेक्ट ऑप्शन इज नन अदर देन ऑप्शन सी. क्वेश्चन 15 की अगर हम बात करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंडनेस इन द पुअर कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज होती हैं और वहां पे जो ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम होती है उसको बेसिकली हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. आपके ऑप्शन है गोल्डन राइस से, ट्रांसजेनिक मेज से, ट्रांसजेनिक टोमेटो से, या फिर बीटी ब्रिंजल से. ठीक है, दे आर द सर्टेन कंट्रीज जो कि बहुत पुअर है, वहां पे प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं है. इन दैट केस सबके रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं. अरे वाह, सतीश हैव यू रिस्पॉन्डेड, सतीश का रिस्पॉन्स आया, चलो अभी आया. ठीक है, विटामिन ए एंड रिच राइस, दिव्यांशी से, ठीक है, लेट्स चेक आउट. हाँ जी, पहले पढ़ लेते हैं कि दैट वाज दिस थिंग माइस का, और यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए. बेटा दिव्यांशी, जब यहां पे करेक्ट ऑप्शन था तो पहले वाले क्वेश्चन को गलत क्यों अटेम्प्ट किया, वहां पे विटामिन ए नहीं था क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं,
सो पहला क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी दैट वॉज यूज इन द ईयर 1990s ओवर अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, बहुत कॉमन है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था. उसमें किस तरह का डिजीज था, डेफिशिएंसी था, दैट वॉज ए एडेनोसिन डेफिशिएंसी, दैट वॉज बी एडेनिन डेफिशिएंसी, दैट वॉज सी अ ग्रोथ डेफिशिएंसी, एंड नेक्स्ट वॉज एडेनोसिन डीअमिनेज डेफिशिएंसी. बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था. दे धड़ाधड़ फटाफट धनाधन आंसर्स आ रहे हैं बच्चे लोग के, क्या बात है, बिल्कुल मजेदार आंसर्स हैं. सारे बच्चे पढ़कर बैठे हैं, जोश है ना, सी द जोश. सो दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू द नेमेटोड्स. ठीक है, एंड दे हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस व्हाट, बोथ That is sense and the antisense RNA or an antifidant or a toxic protein or the particular hormone. 17 का क्या रिस्पॉन्स होगा. ठीक है, सो एवरीबडी हैज स्टार्टेड नाउ. आई हैव टू चेक सतीश रिस्पॉन्स. ओके, 17 का That is A. Absolutely perfect. Congratulations, future doctors. Satish, abhi tak sirf ek hi answer galat hua hai na? Till now only one attempt was wrong, right? Theek hai, good. Khair, chapter bhi easy hai. Jab do teen chapter bulk mein karenge, then only we are going to discuss. I'm not demoralizing you. Don't take otherwise. Har ek chota attempt best hota hai. So basic principle to develop transgenic plants and animals is to introduce the gene of interest into the nucleus of what? Nucleus of body cell, nucleus of vegetative cell, nucleus of germ cell or somatic cell. Basic principle to develop transgenic. Are wah, bachcho ke response bade mazedar hai na? हाँ जी, लेट्स चेक आउट. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिल्कुल सही, कॉन्ग्रेट्स. और सतीश का क्या रिस्पॉन्स था, सी ओनली. ठीक है, आरएनए, क्वेश्चन नंबर 19, आरएनए इंटरफेरेंस जिसको कि आरएनएआई के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रयोग ये या फिर ये किस चीज के लिए यूजफुल है. For micropropagation, for cell defense, for cell proliferation, or फिर for cell differentiation. Okay. Cell defense क्या होता है, आप बच्चे लोग ने रिस्पॉन्स दिया सेल डिफेंस. तो सेल डिफेंस क्या होता है, वॉट इज सेल डिफेंस. हाँ जी, सेलुलर डिफेंस या फिर सेल डिफेंस क्या होता है, व्हाट डज इट मीन. बताओ, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो. सेल डिफेंस क्या है, सेलुलर डिफेंस क्या है, खुर्शीदा, भावना, नितिन, प्राची, देवेंद्र, जल्दी रिप्लाई करिए, देन ओनली वी कैन रन अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. कल हमारा, कल की क्लास में भी PYQs हम लोग डिस्कस करेंगे और कल हम लोग एनालिसिस करेंगे प्राची की परफॉर्मेंस पर. बाय टुमारो वी आर गोना टू स्ट्रेस ऑन दैट थिंग. ठीक है, हां जी, चलो मैं बताता हूं सेल डिफेंस क्या चीज है. करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी, एब्सोल्युटली परफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक. ठीक है, आरएनएआई दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस, ये बेसिकली कहां होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है और किस लिए होता है, एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. बेटा, आरएनएआई बेसिकली टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल्स और ये बेसिकली सेलुलर डिफेंस या सेल डिफेंस के पर्पस से एग्जीक्यूट होता है. ये जो मेथड होती है, इट इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक इननेट इम्यून रिस्पॉन्स. हाँ बेटा, स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA, बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है बाय द वायरस या फिर जो दूसरे जेनेटिक एलिमेंट्स के द्वारा होता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपोजोन्स. ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसपोजोन्स टर्म क्या है.
मॉलिक्यूल दैट एक्चुअली बाइंड टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए, जो कि एमआरएनए का जो ट्रांसलेशन वाला जो स्टेप होता है ये उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब इसके आगे जरा देखें। बेसिकली थोड़ा सा इस टॉपिक को मैंने आगे लिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादातर बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। आरएनए साइलेंसिंग या फिर आरएनए इंटरफेरेंस या फिर आरएनए आई, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो एमआरएनए का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है फॉर ट्रांसलेशन वाला। और ये कौन सी फैमिली को रिफर करता है? ये जीन साइलेंसिंग फैमिली को रिफर करता है। और इसका जो इफेक्ट होता है बेटा, दैट इज जीन एक्सप्रेशंस इज नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय द नॉन कोडिंग आरएनए, जैसे कि माइक्रो आरएनए। आपको आरएनए के कई सारे फॉर्म मिलेंगे, लाइक माइक्रो आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना। इसके अलावा लाइक इट इज डिराइव्ड स्मॉलर स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है, एंड हियर रिपीटेड एसोसिएटेड स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है। तो बेसिकली आरएनए के जो पर्टिकुलर पर्पस होते हैं ये उस पर्टिकुलर पर्पस को या सीक्वेंस को अल्टर कर देता है। जीन साइलेंसिंग क्या चीज है जरा एक बार इसको भी देख लें। ये बेसिकली नेगेटिवली फीडबैक मैकेनिज्म होता है और जिसका पर्पस होता है टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। बेटा ये सारी की सारी चीजें जेनेटिक लेवल पर है, केमिकल टेक्सचर केमिकल एक्टिविटीज पर है, तो बस हमें एक जरा सा ध्यान होना चाहिए इस पर। ठीक है भावना, प्राची, इज दैट क्लियर? ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। इनमें से वो कौन सा बीटी क्रॉप है जो कि इंडियन फार्मर्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं? ब्रिंजल, सोयाबीन, मेज या फिर कॉटन? सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, दैट इज मोस्ट कॉमन, इट इज डी, एब्सोल्युटली परफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा जो आरएनए इंटरफेरेंस है इट इन्वॉल्व्स क्या? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर आरएनए दैट यूज़ एक्चुअली रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इन ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ द आरएनए सिंथेसाइजेस ऑफ डीएनए, या फिर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए, व्हिच ऑप्शन इज क्वाइट करेक्ट? दिव्यांशी रिस्पॉन्डेड, वेरी गुड भावना, प्राची, ओके, शोर्षिदा इज रिस्पॉन्स ड्यू, सतीश हैज ऑल्सो रिस्पॉन्डेड, लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन। देवेंद्र आपके रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, देवेंद्र हैज लेफ्ट इन बिटवीन। नितिन बेटा आपके रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहे हैं, कम से कम रिस्पॉन्स तो दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा। फाइन, दैट इज सी, दैट इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट, है ना। बच्चे डी क्यों होगा, बी क्यों होगा, क्यों खुर्शिदा, प्राची, दिव्यांशी, भावना? आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई का इन्वॉल्वमेंट होता है साइलेंस ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, स्पेसिफिक वर्ड पे ध्यान दीजिए, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री और सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये लाइन याद कर लो, अगर आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पूछा जाता है कि ये बेसिकली कहां इन्वॉल्व होता है, सो इट बेसिकली इन्वॉल्व्स ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का जो आरएनए फॉर्मेशन है, दैट्स गोना टू अल्टर दैट थिंग। गुड जॉब सतीश। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन थेरेपी? Which one of the following vectors is used to replace the defective gene therapy? Defective gene therapy को replace करने के लिए या defective form को gene को replace करने के लिए इनमें से कौन सा vector use किया जाता है? ठीक है, adenovirus, cosmid, RI plasmid and TI plasmid, जल्दी इनमें से कौन सा vector का use किया जाता है? Which vector is being used? ओके दिव्यांशी रिस्पॉन्डेड, वेरी गुड, ठीक है, भावना हैज ऑल्सो रिस्पॉन्डेड, सतीश का भी रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है, दैट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज नन अदर देन डी, ठीक है, यस सतीश का रिस्पॉन्स क्या है यहां पे, दैट इज डी, ठीक है,
टीआई प्लाज्मिड। बेटा टीआई प्लाज्मिड यहाँ पे मोर इफेक्टिव है क्योंकि ये वो वेक्टर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है थेरेपी, जीन थेरेपी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ, आपको याद होगा जो क्रॉप होता है इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग या फिर माइक्रो प्रोपिगेशन। ठीक है, सबके रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं। लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज नन अदर देन ए। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ही इजी टॉपिक है और आप लोगों ने एकदम मेजोरिटी में करेक्ट ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें जो कि ईयर 2014 में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन वाज जो फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन होता है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज व्हाट, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। विच वन अमंग दीज वॉज एक्चुअली एट फर्स्ट प्रोड्यूस बाय इन्वॉल्वमेंट और बाय यूटिलाइजिंग द आरएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एवरीबडी हैज आंसर्ड दैट इज बी, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, यस दैट वॉज द इंसुलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले ही सर ने रिस्पॉन्ड कर दिया, सो इसको भी। द गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सी, विटामिन ए। बेटा एक चीज याद रखिए, जहां कहीं भी अगर बात हो रही है राइस की तो पहली बार हम उस पर विटामिन ए पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन बीटी कॉटन जो बीटी टॉक्सिन होता है दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज अ प्रोटॉक्सिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू, किसके कारण जो है वो प्रोटॉक्सिन जो है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो एवरीबॉडी रिस्पॉन्डेड। ठीक है, हाँ जी, एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर्स इंसेक्ट गट, अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट और एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। मोस्टली स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड मी आइदर डी और सी। लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सी, सॉरी सी, दैट इज अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। बच्चे ये जो पीएच होता है अल्कलाइन, उसको ही, उसी के कारण ही ये बेसिकली प्रोटॉक्सिन जो है कन्वर्ट होगा इंटू एक्टिव टॉक्सिन में। कुछ बच्चों ने डी भी रिस्पॉन्स किया है, डी क्यू, एसिडिक पीएच क्यों होगा बच्चे? इंटेस्टाइन में हमेशा बेसिक या अल्कलाइन पीएच फॉर्मेशन होता है, जहां अल्कलाइन कन्वर्ट होता है, सॉरी एसिडिक कन्वर्ट होता है अल्कलाइन में, तभी वो चीज प्रॉपरली डाइजेस्ट होती है। अदरवाइज वो चीज या तो वॉमिट हो जाता है या फिर लूज मोशन से निकल जाता है। हमेशा एसिडिक फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इंटू अल्कली। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पब्लिक सर्फेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दे दो। सबने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सतीश अभी तक एक ही गलत हुआ है ना? हाँ, गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो बीटी एंडोटॉक्सिन है दैट एक्चुअली एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिन वंस ब्लोवर्म इंजस्ट इज ड्यू टू अल्कलाइन पीएच इन द गट, एसिडिक पीएच इन द गट, एक्टिविटी ऑफ प्रोटीएनेज एंजाइम इन द गट और हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द गट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करिए। अरे वाह, बच्चों के रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए, गुड। लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज करेक्ट? अल्कलाइन वन, एसिडिक वन, दैट इज द ऑप्शन। करेक्ट इज ए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द करेक्ट रिस्पॉन्डर्स। नाउ विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मेल्यूडगेन इनकॉग्निटा, स्टेम, रूट, फ्लावर या फिर लीफ? ये जो पैथोजन है ना, ये बेसिकली टोबैको प्लांट के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है?
सर पीपल हैव स्टार्टेड मी फटाफट. भावना, नितिन, मेहर, रिस्पॉन्स इज मैंडेटरी बेटा. ठीक है, लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज नन अदर देन बी. यस, ये बेसिकली रूट पर इफेक्ट करता है, दैट इज, है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन द ईयर 1919. ये द सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है. फाइन, सो फिर भी मुझे बताओ इट वॉज वॉट विद एडेनोसिन डाइडीअमिनेज डेफिशिएंसी. इसका फॉर्म चेंज हो गया है. द क्वेश्चन वॉज सेम बट इसका फॉर्म चेंज हो गया है ना. इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, बेसिकली ऐसा होता नहीं है. सो यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स. क्वेश्चन सेम है, बस कंटेंट चेंज हो गया. यहां पर ह्यूमन लिम्फोसाइट्स हो गया. बताओ इनमें से कौन सा यूज होता है एज अ वेक्टर, एज अ वेक्टर. सो पीपल हैव स्टार्टेड मी, लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नन अदर देन ए, रेट्रोवायरस. क्यों भाई, डी क्यों हो गया? प्राची क्या सोच के लगाया था? दिव्यांशी आज बहुत रिस्पॉन्स गलत आ रहे हैं. आई गेस 7 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए दिव्यांशी के. हाँ क्यों बेटा, मेरी सब पे नजर है कि किस बच्चे के कितने सही हैं, कितने गलत जा रहे हैं, है ना. हाँ जी प्राची बेटा, ये नहीं होगा, ये हमारा प्लाज्मिड की जब हम बात करेंगे. आप यहां पे देखो, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड एंड बी आर, और ये बेसिकली तब होगा जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डिजीज रेजिस्टेंट फॉर्म में बैक्टीरिया में इनोक्यूलेट करवाएंगे. तो बच्चे ये ऑप्शन तो हमें कायदे से हटा ही देना चाहिए गिवन ऑप्शन में से. हां जी खुर्शीदा का एक गलत नहीं है, दो गलत है. द टू आंसर्स वर रॉन्ग, दे आर टू रॉन्ग बेटा खुर्शीदा. एक क्वेश्चन नंबर 19 था आई गेस. नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की बात करें. सो इन इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक यूज इज वॉट. हाँ प्राची के दो गलत हैं, नहीं प्राची के तीन गलत हैं, अभी लेटेस्ट वाला भी रॉन्ग है. कोई बात नहीं, प्राची नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रही है. अगला एनालिसिस जो कल का एनालिसिस है वो प्राची की परफॉर्मेंस पर होगा. इसका बताओ फटाफट बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर है. द आईसीएमआर और सीएसआईआर और आरसीजीएम और जीईएसी, इनमें से वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि बेसिकली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज रिस्पॉन्डिंग. नॉट मे बी बेटा, भावना बेचा नीट में आप मे भी नहीं कर पाओगे. सही होगा तो नंबर मिल जाएगा, गलत होगा तो पेनल्टी लग जाएगा. सो डोंट बी मे बी, बी वेरी मच कॉन्फिडेंट. ठीक है, हां जी लेट्स चेक आउट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज डी. यहां पे बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड. बात जेनेटिक की हो रही है तो जेनेटिक की हो रही है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट बी देयर. ठीक है, जेनेटिक मैनिपुलेशन वुडंट बी देयर. जेनेटिक मैनिपुलेशन जीन थेरेपी की बात को लेकर आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड द ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंट्री एंड इट्स पीपल. उनको हम क्या कहेंगे, बायो इंफ्रिंजमेंट, बायो पायरेसी, बायो डिग्रेडेशन एंड द बायो एक्सप्लॉइटेशन. ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और सभी बच्चों के लगभग सारे जवाब सही आ रहे हैं. वेरी गुड, अमेजिंग. लेट इज बी, बायो पायरेसी. आने वाले दिनों में हम ना सारे बच्चों की जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. अभी तो हम इंडिविजुअल बच्चों की बात करेंगे, फिर हमारे पास जैसे 10-12 बच्चे लाइन पर हैं तो वो बच्चे जो हैं अपना उनका जो ओवरऑल करेक्ट ऑप्शन है उसमें से देखेंगे कि कितने परसेंट बच्चों के आंसर्स सही थे.
ठीक है ना, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग मजा आएगा कॉम्पिटिशन को लेकर, फेस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, What triggers activation of protoxin to activate toxin of Bacillus thuringiensis in the bollworm? Moist surface of midgut, alkaline pH of gut, acidic pH of stomach and body temperature. It is very easy. किसी भी बच्चे का रिस्पॉन्स गलत नहीं होना चाहिए. Absolutely perfect. बेटा हमेशा याद रखना, स्टमक में एसिड जा रहा है तो अल्कली जो है फॉर्म करेगा. अल्कली अल्कली विल नेवर बी, सॉरी एंड एसिडिक एसिडिक विल नेवर बी. तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गोल्डन राइस. गोल्डन राइस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर 3 से 4 साल के गैप में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. सो इट इज द पेस्ट रेजिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम द बेसिलस ऑफ थरेंजिनस. इट इज द ड्राउट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर. It is has yellow grains because the gene introduced form a primitive variety of rice or vitamin A enriched with a gene form daffodil. सबके answers आ गए, very good, absolutely perfect. तो एक चीज तो बिल्कुल 100% confirm है, golden rice मतलब vitamin A का combination will be there. तो बच्चों इस तरह से भी आप उसको correlate कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो 36 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. जेनेटिक कोड का रिडंडेंट होना, जेनेटिक कोड का नियरली यूनिवर्सल होना, जेनेटिक कोड का स्पेसिफिक होना, या फिर जेनेटिक कोड का एम्बिगस नहीं होना. क्या बात, फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे. 36 का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया. Everybody had responded me. मेरे पास खुर्शीदा का रिस्पॉन्स आया, सतीश का आया, प्राची का आया, दिव्यांशी what happened? भावना what happened? नितिन एंड मेहर not getting your proper response. दिव्यांशी also responded. नितिन एंड मेहर. So here we go. The correct option is B. Genetic code is nearly universal. Yes. आपको इस चीज को ध्यान रखना बेटा. जो बीटी कॉटन वेराइटी है दैट वॉज डेवलप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन्स ऑफ बेसिलस थर्जिनेंस दैट इज बीटी. ये रेजिस्टेंट किसका करता है, इंसेक्ट पेस्ट का, फंगल डिजीज का, प्लांट नेमेटोड्स का, या इंसेक्ट प्रीडेटर्स का. ये भी बहुत इजी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. बीटी कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ द बेसिलस thuringiensis that is termed as the BT gene. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एवरीबडी स्टार्टेड आंसरिंग मी. ठीक है, ठीक है, मेहर का भी रिस्पॉन्स आया फाइनली. लेट्स चेक आउट, द करेक्ट ऑप्शन इज नन अदर देन ए, दैट इज इंसेक्ट पेस्ट. यस बेटा, जो बच्चे कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं अभी इस क्लास में आप रिस्क ले सकते हो, है ना. आपको क्या करना है, थ्योरी क्लास में चलो समझ में आता है कि जवाब नहीं आ रहा है तो हम चुप होकर बैठे हैं, लेकिन एमसीक्यूज में एटलीस्ट ट्राई. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, एंड सर अगर उसको टोकेंगे तो वो क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है कि नहीं, हमें दोबारा गलतियां नहीं करनी है. पीवाईक्यूज जो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जब अभी तो हम इंडिविजुअल चैप्टर वाइज बच्चे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम जब इसको मिसलिनियस लेंगे, अलग अलग चैप्टर्स से कंबाइन करेंगे, फाइन, ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, मतलब हमें साम दाम दंड भेद सब अप्लाई करना है. क्यों, क्योंकि हमारा मोटिव है क्रैक करना नीट को. तो अभी गलतियां करो चलेगा, लेकिन फाइनल वाले दिन गलती नहीं करना, ठीक है. और अगर आंसर्स का भी रिस्पॉन्स गलत भी हो रहा है तो उसको माइंड मत करना, उसको एनालाइज करो कि आंसर मेरा क्यों गलत है. फाइन, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास गलतियों को सुधारने का मौका है, बट उस दिन हमारे पास मौका नहीं रहेगा. तो आज है इन, उसको एक्सपेरिमेंट कर लो, चीजों को इन्वॉल्व कर लो, गलत हो रहा है बहुत अच्छी बात है, सही हो रहा है और भी अच्छी बात है, लेकिन उस दिन गलती नहीं करना है. अभी जितनी गलती करना है 5-6 महीने में गलतियां कर लो, ठीक है, और उस चीज को लेके इनिशिएट करो कि सर को बार बार ना बोलना पड़े. अल्टीमेटली सर इज हेयर फॉर यू, है ना, आपका कंसर्न है, आपका डाउट है, फटाफट निकालो, आई एम देयर. नेक्स्ट हमारा, हाँ,
इसका रिस्पांस मेरे पास अभी आया क्या? नहीं आया। अभी हमने क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं किया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही नहीं है। ठीक है, इन अ मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन। जो प्रो इंसुलिन है दैट हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड जिसको सी पेप्टाइड कहते हैं। जो फंक्शनल इंसुलिन है इट हैज ए एंड बी चेन दैट एक्चुअली लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई। हां जी, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, सो सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट मुझे आंसर देना शुरू कर दिया है, इनफैक्ट दे भी दिया है। और जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, स्टेटमेंट सी जो है सही नहीं है। क्यों? ए वाला स्टेटमेंट दिव्यांशी, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है, ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका भी देखो करेक्ट आंसर दे रहा हूं मैं ना, ऐसे आंसर गलत मत दो। दिव्यांशी ने नो आंसर्स दे दिए। दिस इज द सेम वे। क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फॉलोइंग एंड द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। हमारे पास कॉलम ए है और उधर कॉलम बी है, यहां पे फटाफट बताइए कौन सा सही है। कॉलम ए में बीटी कॉटन है, एडेनोसिन डीअमिनेज है, आरएनए इंटरफेरेंस पीसीआर दैट इज कॉलम टू, जीन थेरेपी, सेलुलर डिफेंस, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन, बेसिलस सर्जेनेसिस। फटाफट इसके आंसर्स बताइए। एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड आंसरिंग मी। 39 नहीं 40 39 I just skipped it। तीन क्वेश्चंस के तो स्टेट आंसर्स मैंने रिवील कर दिए थे बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। सबको उसके मार्क्स मिलेंगे, एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटेड वन मार्क्स फॉर द ऑल। ठीक है, हां जी हां जी, लेट्स चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 41 इज दैट इज ए, एब्सोल्यूटली परफेक्ट, एब्सोल्यूटली परफेक्ट। यहां पे हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, बीटी कॉटन दैट इज बेसिलस थर्जिनेसिस, यस। नेक्स्ट बी का फर्स्ट हमारे पास दैट इज एडेनोसिन डीअमिनेज, जीन थेरेपी है। सी दैट इज सी का है आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस है। और उसके बाद डी जो है पीसीआर दैट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन। किस बच्चे का गलत रिस्पॉन्स है? किसी ने गलत दिया है क्या? नहीं दिया, बच गए। क्यों भाई? सतीश, खुर्शिदा और प्राची ने इसके सही रिस्पॉन्स दिए हैं। वॉट अबाउट नितिन? वॉट अबाउट भावना? वॉट अबाउट मेहर? बेटा इतना इजी क्वेश्चन था, यू कुड आंसर दैट प्रॉप थिंग। हाँ, इतना कोई टफ नहीं है, इट इज सो इजी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है बेटा? मेहर, बड़े मुश्किल से आपने अभी तक सिर्फ 6 सवालों के जवाब दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। इनमें से PCR दैट मीन्स जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसकी एक एप्लीकेशन नहीं है। क्या है वो? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, नंबर टू जीन एम्प्लीफिकेशन, नंबर नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, नंबर नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। इनमें से विच वन इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ वॉट? PCR। PCR का एप्लीकेशन नहीं है। क्यों? कौन सा? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन या डिटेक्शन ऑफ जीन। ठीक है, सो एवरीबडी स्टार्टेड आंसरिंग मी, यस लेट्स चेक आउट। हां जी, द करेक्ट आंसर इज सी, एब्सोल्यूटली परफेक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। गुड जॉब भावना। व्हाट अबाउट सतीश, कहां रह गए? दो क्वेश्चन गलत हो गए। द टू अटेम्प्ट्स आर रॉन्ग। कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते। ठीक है, अभी तो और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो क्वेश्चन नंबर 42,
Nowadays, it is possible to detect mutated gene causing cancer, है ना? आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा 41 वाला. नॉट एन एप्लीकेशन. जीन डिटेक्शन होता है बेटा. क्वेश्चन करो थोड़े से जल्दी में आ गए, जल्दबाजी में रिस्पॉन्स दे दिया, है ना खुर्शीदा? प्राची, मेहर, दिव्यांशी, भावना, 41 का आंसर तो खुर्शीदा ने नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? व्हाट? क्यों बच्चे, व्हाई डिडंट यू आंसर? चलो कोई ना, दिव्यांशी जल्दी में आंसर मत दे बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगा. सतीश, थोड़ा सा टाइम और दो, है ना? एकदम जल्दबाजी में आंसर मत दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे पता है कंफ्यूजन हो गया है. कंफ्यूजन हो गया, आई एग्री. बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनके आंसर्स पता है, कंसर्न क्या है समझ में नहीं आता चीजों को. सर मेरे तो सही दिया था. हाँ भावना, गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जब बच्चे लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो एप्रिसिएशन बनता है. गुड, कीप इट अप. सर क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ द सेल्स दैट इज बीइंग फॉलोड बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी. क्यों? क्योंकि जो म्यूटेटेड जीन होता है वो पार्शियली अपियर होता है किसी फोटोग्राफिक फिल्म में, और म्यूटेटेड जीन जो होता है इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है दैट इज क्लियरली अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपियर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज जो प्रोब होता हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट. और जो म्यूटेटेड जीन होता है इट डज नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंटरिटी विद इट. यस, क्या होगा सही जवाब? ठीक है, सो एवरीबडी रिस्पॉन्डेड मी, सबके रिस्पॉन्स मेरे पास आ गए हैं. सही जवाब देखें, सही जवाब हमारा क्या कह रहा है? सी, नॉट बी, नॉट डी, इट इज सी. तो बेटा क्वेश्चन क्या है? नाउडेज इट इज पॉसिबल क्या डिटेक्ट करना किसका? म्यूटेटेड जीन का. कॉजिंग क्या है? कैंसर. और ये कैसे अलाउ करता है? बाय रेडियो एक्टिव प्रोब जो कि हाइब्रिडाइज है. किसका? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का. कहां पर? क्लोन्ड सेल में. तो इसका डिटेक्शन कैसे होता है? इसका डिटेक्शन होता है ऑटो रेडियोग्राफी. क्योंकि जो म्यूटेटेड जीन है इट डज नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था, वी हैवंट डिस्कस इट, है ना? रिसेंटली इट वॉज आस्क इन द ईयर 2021 एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद इट. आप लोगों को पता है प्रोब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज प्रोब? प्रोब पता है? अगर आपको प्रोब पता है तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. अगर प्रोब नहीं पता, प्रोब एक डिवाइस होती है. आपने नॉर्मली देखा होगा कि जिन लोगों को जब NICU या ICU वगैरह में रखा जाता है तो जो मॉनिटर जो है मॉनिटर से अटैच किया जाता है एक सेंसर होता है. इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेंसर दैट्स गोना टू अटैच टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, एंड द रिस्पॉन्सेज एज वेल. कोई बात नहीं सतीश, तीन आंसर रॉन्ग हुए हैं जिसमें से एक आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था और दो आंसर्स थोड़े से जल्दबाजी में रिस्पॉन्स हुए हैं. कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहता है कि विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्या? सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन. बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन पर ध्यान देना है. इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड. जो प्रो इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड होता है, और ए पेप्टाइड और सी पेप्टाइड जो इंसुलिन के हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं बाय डाइसल्फाइड ब्रिज. ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ये, बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब है.
जल्दबाजी में जवाब नहीं देना बेटा, सिर्फ 45 क्वेश्चंस ही हैं, जल्दबाजी में जवाब नहीं देंगे। ठीक है, चेकआउट, एब्सोल्यूटली परफेक्ट, सारे बच्चों के रिस्पॉन्स बिल्कुल सही हैं, है ना? ठीक है, सबके सही हैं, गुड, मतलब सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एडेनोसिन डीअमिनेज है डेफिशिएंसी है, इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट? डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, पार्किंसंस डिजीज, डाइजेस्टिव डिजीज या फिर एडिसन्स डिजीज? क्या बात, बड़े कमांडेबल रिस्पॉन्स है बच्चों के, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स। ओके, लेट्स चेक आउट, दैट इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट, कांग्रेचुलेशन, सारे बच्चों के रिस्पॉन्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट फॉर द डे, इट इज अवर टूडेज लास्ट क्वेश्चन, और लेट्स चेक आउट, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, किसी भी बीमारी के लिए अगर हमें सही से ट्रीटमेंट करना है तो उसका जो, अरे वाह, रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो गया प्राची, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इनमें से बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर डिटेक्टिंग एनी डिजीज इन एन अर्ली मैनर? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, अलाइजा टेक्निक और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक? मेरे पास ज्यादातर बच्चों के रिस्पॉन्स सी ही आ रहे हैं, और हेयर वी गो, एब्सोल्यूटली परफेक्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आप लोगों के रिस्पॉन्स आज के बहुत सही थे। सबसे ज्यादा जो अच्छे परफॉर्मेंस है, जो आज का हमारा टारगेट है, दैट वॉज सतीश। सतीश के 3 गलत थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने रिवील कर दिया था, एंड दे वर वेरी इजी। सो समहाउ आउट ऑफ 45 ओनली 3 वर रॉन्ग, है ना? सो आपका 42 वर करेक्ट। खुर्शिदा, खुर्शिदा की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस गलत थे। क्यों? जिसमें से 2 के रिस्पॉन्स नहीं दिए थे खुर्शिदा ने, 3 गलत दिए थे और 2 नहीं दिए थे, 1 में तो कंफ्यूजन था, 1 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट रह गया था। तो समहाउ आपके 5 रिस्पॉन्स जो हैं, दैट इज 40 आपके करेक्ट हैं। दिव्यांशी, 13 क्वेश्चंस गलत हुए हैं आई गेस टुडे, 13 और 14 काउंट नहीं किया, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर रॉन्ग? 11। ठीक है, सो बेटा 11 गलत है आउट ऑफ 45, कहां रैंक जाएगी? कॉन्सेंट्रेट, चिल, हैव सम वाटर, नॉट इन प्लास्टिक बॉटल, हैव सम वाटर इन टू द टम्बलर। ठीक है, नेक्स्ट मेहर, कितने सवाल के जवाब दिए मेहर? ओके, नितिन, भावना, हाउ मेनी आंसर्स डिड यू अटेम्प्ट बेटा? हाउ मेनी क्वेश्चंस एक्चुअली डिड यू अटेम्प्ट? आई गेस 45 में से आपने अराउंड 40 समथिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, आपने बीच में कुछ क्वेश्चंस स्किप किए हैं, है ना? ठीक है, प्राची, प्राची के आई गेस 7 क्वेश्चंस गलत थे, क्यों भाई प्राची? 7 क्वेश्चंस वर रॉन्ग, राइट? यस और नो? तो कितने क्वेश्चंस गलत थे बताओ? 4 गलत थे। अच्छा, मुझे डाउट है, और आई थिंक 2-3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे प्राची, आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे, वॉज दैट सो? फटाफट बताओ। हाँ,
नहीं सारे अटेम्प्ट नहीं किए, आई विल चेक। ओके वेट, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेट्स चेक आउट कितने इसने अटेम्प्ट किए हैं और कितने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, है ना। अभी ये बच्चा आ जाएगा, चलो लेट्स बिगिन। हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, दैट वाज प्राची ने क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट किया है, प्राची ने क्वेश्चन नंबर टू भी अटेम्प्ट किया है, प्राची ने क्वेश्चन नंबर थ्री भी अटेम्प्ट किया है, प्राची ने फोर्थ भी अटेम्प्ट किया है ना, फाइफ्थ भी किया है। गुड यार प्राची, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, गुड कांग्रेट्स। सिक्स्थ भी किया है, सेवेंथ भी किया है, एट्थ भी किया है, नाइन्थ भी किया है, क्या बात है प्राची, गुड सारे किए हैं, गुड गुड जॉब। ठीक है तो चार गलत हैं, मतलब 41 आपके करेक्ट हैं, ठीक है। सो अगर इन जनरल की हम बात करें, 42 क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम करेक्ट गए हैं, प्राची के 41 गए हैं, खुर्शिदा के 40 गए हैं, और दिव्यांशी के 35, मेहर की और भावना का मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो हमारे जो टॉप थ्री लीडर्स हैं उसमें आज में सतीश नंबर वन, नंबर टू विल बी प्राची एंड नंबर थ्री वुड बी खुर्शिदा। ठीक है, डोंट टेक अदरवाइज डियर स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट हुआ है तब भी, नहीं अटेम्प्ट हुआ है तब भी, गिव योर बेस्ट। ठीक है जी, क्या हो गया बेटा दिव्यांशी, क्यों गलत हो गए इतने मैक्सिमम, कॉन्सेंट्रेशन नहीं था? हाँ ये बच्चा सीरियसली अटेम्प्ट नहीं करता है, बस जल्दबाजी में कर देता है, एक बार वापस से गो थ्रू करना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये गलत नहीं होना चाहिए। सतीश गुड जॉब, इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखो, कल भी हम लोग जो है पीवाईक्यूज करेंगे और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला चैप्टर का पीवाईक्यू करेंगे। और प्राची कल बेटा आपका जो है, वी आर गोइंग टू सुपरवाइज ऑल द परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स कि किसका कैसा रिस्पॉन्स गया है, और जैसे आज टाइम पे ज्वाइन किया था क्लास को वैसे ही टाइम पे ज्वाइन करेंगे, सो वी वुड पुट ऑन सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स ओवर देयर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को लेकर कुछ डाउट, कोई क्वारीज, कोई कंसर्न्स, कोई सवाल, कोई ख्याल? नो ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग कल। राइट नाउ आई एम अबाउट टू साइन आउट फॉर द डे, टेक केयर बेटा।